सकता हूँ। लीजिए लीजिए। और हमारी सरकार लाठी गोली से डरने वाली नहीं है, जितना लाठी बरसा जितना गोली चला, लेकिन लोग विधानसभा को लोकतंत्र को अपमान करने नहीं दे। हमने हिंदी भाषा भाषी हिंदी भोजपुरी मंगी अंगिका सहित उर्दू बंगला उड़िया 9 जनजाति भाषा को हमारी सरकार ने ही अनुस्थापित किया और 1,00,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दी ऑन रिकॉर्ड। ये सरकार आने के साथ फिर मुस्लिम तुष्टिकरण, अंग्रेज के फूट डालो राज करने, इसी अंग्रेज को भगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू चांद भैरव और ताना भगत ने कुर्बानी दी। ये अबुआ राज के बबुआ राजा किस तरह यहाँ के हमारे आदिवासी गरीब आदिवासियों के पुरखों को आज कलंकित करने का काम भी देखिए, हिंदी भाषा भाषी को हटाने का काम किया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राज्य का राजकाज भाषा है। आज विधानसभा किस भाषा में चल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग नेपाल हाउस में किस भाषा में कार्यालय चल, माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट किस भाषा में कर, सर इधर भी देखिए। हम सभी जानते हैं कि दो ही भाषा में झारखंड में पढ़ाई जाती है, हिंदी भाषा भाषी या इंग्लिश मीडियम। हमारे आदिवासी बच्चे भी हिंदी भाषा भाषी में, अगर आप उनको रख दिया कोटा में एग्जाम दीजिए तो बच्चा मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कुरमाली या कोटा में पढ़ाई हुआ का तो मेरा बच्चा तो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। उसी तरह हमारी सरकार ने एक और प्रावधान किया था कि कोई झारखंड के मूलवासी आदिवासी झारखंडवासी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं और उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उनको यहाँ थर्ड फोर्थ ग्रेड में नौकरी मिलेगी, ये सरकार ने उसको हटा दिया। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक महामंत्री तथाकथित, उनकी पत्नी पढ़ी कहाँ, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई से लिखाई लेक्चर कहाँ थी, उसको जेपीसी में नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जिस झारखंड के आदिवासी मूलवासी यहाँ के झारखंडवासियों ने इस झारखंड ने कुर्बानी दी उनके बच्चे को थर्ड फेड गढ़ में नौकरी नहीं मिलेगी, कहाँ का न्याय है? यह अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, लोकतंत्र का अपमान नहीं करने देगी। चाहे हम लाठी खाएं गोली खाएं जो खाना पड़े हम खाएंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे। और ये परिवार, ये जो परिवारवाद कांग्रेस जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल जो लोकतंत्र के विरोधी है, परिवार तंत्र स्थापित करने झारखंड में नहीं दीजिए।